उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा औद्योगिक शहर कानपुर देश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक है। कभी देश का मैनचेस्टर रहा लेदर सिटी कानपुर का सियासत से भी गहरा नाता रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना से लेकर जनसंघ का पहला अधिवेशन भी कानपुर की धरती पर ही हुआ था। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासत में धमक रखने वाले शहर कानपुर के हर शख्स की रग रग में सियासत लहू बनकर बहती है। कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर पूर्वी मैनचेस्टर कानपुर का सियासत में अपना रुतबा है। शहर की हर गली में राजनीति चौपाल यहां हमेशा सजी रहती है। सियासत में बुलंद रुतबा रखने वाली कानपुर लोकसभा सीट पर 1991 में पहली बार बीजेपी का कमल खिला था और जगतवीर सिंह द्रोण बीजेपी के पहले एमपी चुने गए। 1996 और 1998 के चुनावों में भी यहां बीजेपी का ही राज रहा। 1999 में श्री प्रकाश जायसवाल ने कांग्रेस की वापसी कराई और लगातार 3 बार सांसद बने, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत से वापसी हुई और जनता ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को जीत का आशीर्वाद दिया। 2014 के चुनाव में 8,53,000 मतदाताओं ने वोट किया था, जिसमें 4 लाख से ज्यादा पुरुष और 3 लाख से ज्यादा महिलाएं वोटर शामिल थी। 2014 में यहां 92% से ज्यादा मतदान हुआ। शहर में 82% हिंदू और 15% मुस्लिम आबादी है, जो देश की सियासत की तस्वीर बदलने का दमखम रखती है। ऐसे में कानपुर के वोटर के दिल में क्या है और कैसा है 2019 का चुनावी माहौल, कैसा है कानपुर के वोटर का चुनावी मिजाज, जानने के लिए चलते हैं कानपुर की जनता के पास। 2019 लोकसभा चुनाव यानी महासंग्राम, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दल बार बार कर मैदान में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा सियासी गर्मी उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। वहीं कांग्रेस ने प्रियंका के सहारे अपनी बेतलनी पार करने के लिए सारी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी मोदी और उनके काम की बदौलत 400 में 384 सीट लाने का दावा कर रही है। क्या है वादे इनके और क्या है इनके इरादे, ये बताएगी जनता जनार्दन। जनता जनार्दन की क्या है राय, ये बताएंगे हम। इस वक्त हम मौजूद हैं औद्योगिक नगरी मैनचेस्टर आवेश कानपुर में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सभी पार्टियों के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय जनता, यहाँ के व्यापारी वर्ग, यहाँ का छात्र वर्ग, यहाँ सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे मुख्य मुद्दा कानपुर में है कि बीते 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे उन्होंने क्या काम किया और क्या उनकी समस्याएं रहीं लोगों की, अगर क्या 5 साल में क्या रिजल्ट रहा सांसद की तरफ से? मेरे ख्याल से सब जनता को मालूम है कि 0 रहा, क्योंकि देखिए सांसद का काम होता है क्षेत्र में जाकर जनता से रूबरू हों, और आज दिन तक जो भी सांसद बने लोगों को पता ही नहीं है वो किस क्षेत्र में आ रहे हैं और क्या हमारी समस्याएं हैं। क्या सांसद बिल्कुल 0 रहे, कोई काम नहीं किया उन्होंने 5 सालों में? मुझे ऐसा लगता है कि सांसद जी का खाली दर्शन मिल जाते तो हम लोग ऐसा महसूस कर लेते कि यहाँ का विकास हो गया। कानपुर का दर्शन नहीं मिले तो विकास होने का कोई मतलब नहीं है। सांसद जी गायब रहे, उनके दर्शन नहीं मिले, इसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी उनसे पूछते हैं। दर्शन विकास आधार होता है, व्यक्ति नहीं, और वो विकास पुरुष है और भारतीय जनता पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो मार्गदर्शक है और वो दर्शन देने के शौकीन नहीं है। कानपुर के अंदर विकास की गंगा वही है और यहाँ की आम जनता गवाह है। कानपुर सबसे बड़ी समस्या बंद मिलों की, इसके लिए बराबर बरसों संघर्ष कर रहे हैं इंटक के लोग। आइए से पूछते, क्या सांसद ने आपकी बात सुनी या आपके मुद्दे भारत सरकार तक पहुँचाए या कोई उसका रिजल्ट निकला? 2014 से 19 आ गया, आज तक माननीय सांसद जी लाल इमली दर्शन तो छोड़ो, 1% 1 पैसे का काम नहीं किया। आज 20 महीने का वेतन लाल इमली का बाकी है और लाल इमली के मजदूरों के साथ इस सरकार ने तालिबानी व्यवहार किया है। 40 मजदूर मर चुके हैं और कपड़ा मंत्री के स्मृति ईरानी जैसी बड़ी बहन के रहते हुए 40 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। वेतन नहीं मिला है, आज 20 महीने हो गए वेतन नहीं मिला है। सांसद जी के बारे में पूरा शहर जानता है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करते हैं कि सांसद जी को एक बार फिर टिकट दे दो, यहां से लड़वा दो, पूरा शहर चाहता है।
एक आम जनता भी मेरे साथ मौजूद है। सांसद जी ने जो वादे किए, क्या शहर का इन 5 सालों में विकास हुआ? जो भी वादे सांसद जी ने 5 वर्ष पूर्व किए थे, उन वादों में कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सांसद जी के दर्शन को जो है कानपुर की जनता तरसती रही, सांसद जी का यहाँ दर्शन ही नहीं हुआ। देखिए सांसद जी ठीक है, माना बहुत सीनियर सांसद हैं, लेकिन वो जनता के प्रतिनिधित्व हैं। यहाँ पे उनको कमरे में नहीं बैठना चाहिए था, उनको शहर की समस्या देखना था, उन्होंने कोई समस्या नहीं दूर करी। सांसद जी पर सवाल है कि उन्होंने जनता से बिल्कुल आमने सामने नहीं आए, कभी सामने आए, विकास की बात दूर रही, दर्शन तक नहीं हुए। बिल्कुल गलत बात है। और रही काम की बात, COD पुल है, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, केवल 4 खंभे गड़े थे, हम लोग हर बार बरसी मनाते थे जाकर के। आज की तारीख में कहने की कोई जरूरत नहीं, आप भी जान रहे हो, COD पुल से आराम से आदमी चल रहा है, सारी सड़कें बन रही, एक एक गली की रोड बन रही, सफाई का पूरा स्वच्छता का ध्यान दिया गया है। और अगर कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि मिल नहीं चली, तो 10 साल सरकार रही उनकी, कैबिनेट मंत्री रहे यहाँ पे श्री प्रकाश जी, उससे पहले राज्य मंत्री रहे, उसके बाद भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। श्री प्रकाश जी कार्यकाल जो विकास की बात कही गई, विकास क्यों नहीं हुए, इस सरकार में विकास की बात हुई नहीं? कांग्रेस के कार्यकाल में ही पुल का शुरुआत हुई थी, और पुल के लिए कहीं ना कहीं आपत्तियां जो रक्षा विभाग से आई थी उनको भी दूर कराने का काम कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के टाइम में ये जो एक तरफा जो COD पुल दिखाना चाह रहे हो, COD पुल जो चालू कर रहे हो, अभी पूरा भी नहीं हुआ, उसको चालू करवाने का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हो, उसका 80% काम जो अभी वर्तमान में चालू हो गया है वो कांग्रेस के टाइम ही हो गया था। उसमें जो आपत्तियां लोग कह रहे हैं कुछ कहते विकास हुआ कुछ नहीं हुआ, इसमें क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि जो भी प्रयास सरकार के स्तर पर यहाँ होने चाहिए हुए हैं, और यहाँ की जो बस्तियाँ हैं, गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित, उपेक्षित, अल्पसंख्यक, आप इन नगर बस्तियों पर जाइए, सरकार की योजनाएं धरातल पर उतनी है। कोई राजनीतिक व्यक्ति कुर्ता पहने जवाब दे या ना दे, लेकिन आम जनता के बीच में जब ये कार्यक्रम आप संचालित करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ वहाँ आधार मिलेगा। गरीब जनता बताएगी कि योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने और हमारे वर्तमान सांसद के द्वारा गरीबों के हितार्थ कितने काम किए हैं। जनता के सवाल लेंगे जनता से, अगर क्या समस्याएं रहीं जिनका समाधान नहीं हो पाया? पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा और UP की सरकारों द्वारा इतने सालों से जमा किया हुआ जो कूड़ा है उसको हटाने में धीमे धीमे समय लगेगा। नाली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, वो अभी तक हल नहीं हो पाए। और देश के जो हमारे यहाँ सांसद जी रहे हैं वो नदारद रहे हैं, वो हैंडपाइप से आगे बढ़ ही नहीं पाए, इससे आगे कुछ इन्होंने दिया ही नहीं शहर को। छात्र संघ के कुछ पदाधिकारी वहाँ साथ मौजूद, छात्रों की समस्याएं कुछ नहीं, जैसे विश्वविद्यालय चुनाव नहीं कराया गया, उसके लिए आप लोग सांसद जी तक गए, क्या समस्या निकली? पहली चीज़ देखिए, सांसद महोदय तो यहाँ कानपुर में उपस्थित ही रहे, यहाँ पे तो एक तरीके से वाली बात हो गई, जिसे भी एक साहब ने कहा कि कार जरूरी है, सांसद जरूरी नहीं, तो जिस्म जरूरी है, रूह जरूरी नहीं, बिना रूह के हम जिस्म कैसे काम कर सकते हैं। जनता की समस्याएं लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है आम व्यक्ति, क्या समस्याएं रही जिनका समस्या सुलझा नहीं हो पाया? 5 साल में कई महीने दिए, पहले हमें ये बताएं उनके पार्टी के लोग, कई घंटे दिए, कई दिन दिए, पहले जब टाइम ही नहीं दोगे तो विकास कहां से होगा, कहां से तो समस्याएं हल करोगे? तुम सिर्फ ऐसे कागजों पर बैठ के, दिल्ली से बैठ के समस्याएं हल नहीं होंगी, जनता के बीच में जाओ। और हमने सुना आप जनता के बीच में आ रहे हो, अब आपको इसका इतिहास मालूम होगा। क्या ये बात सत्य है कि सांसद जी उपलब्ध नहीं रहे, उनकी समस्याएं दूर हो पाई? कागजों में तो भाषणों में खूब दिख रहा, जुमलेबाजी खूब चल रही, कानपुर में आज हुआ क्या? सांसद जी की एक उपलब्धि, ये लोग हमें बता दें कि ये एक बड़ा काम सांसद जी ने, हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कानपुर लोगों के, लोगों को कि राष्ट्रीय नेता हैं मुरली मनोहर जी और इनसे बहुत कुछ कानपुर को मिलेगा, कानपुर आज भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। जुमलेबाजी जो शब्द बार बार कुछ कांग्रेस के मित्र भाई गण और कुछ अन्य ऐसे लोग करते हैं, भाजपा ने विकास को धरातल पर उतारने का काम किया है, और गरीबों के लिए चाहे जनधन के खाता के माध्यम से हो रोजगार सृजन के लिए, और चाहे उस महिला के चूल्हे की बात हो जहां लकड़ी कंडा मुहैया न होता वहां सिलेंडर भी देने का काम किया है, और जो आवास विहीन थे उनको आवास देने का काम किया है, और आज तक जो गरीब बिजली का कनेक्शन नहीं करा सकता था उसको निःशुल्क बिजली देने का कनेक्शन कराने का काम किया है। क्या वाकई मंत्री जी जो बात कर रहे थे कि जो विकास हमने किए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? साहब कानपुर शहर में कोई विकास नहीं हुआ, सांसद लापता रहा यहाँ का, 5 साल बाद ढूंढे मिला है, जनता उसको इनाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी है कि कैसे तुम आओ मैदान पे, हम तुमको तुम्हारा 5 साल का इनाम दें जो तुमने जनता के साथ फरेब किया है। रही बात विकास की, अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग बोल रहे हैं कानपुर शहर में विकास हुआ, विकास का एक पत्थर दिखाएं हमको,
विकास का एक पत्थर मुरली मनोहर जोशी नगर कानपुर शहर में किसी योजना का फीता काटा हो तो उसकी एक अखबार की कटिंग दिखाएं। विकास अगर आप देखना चाहते हो तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से विकास सीखना चालू करो। क्या वाकई एक भी विकास का पत्थर मुरली मनोहर जोशी के नाम का कानपुर नहीं लगाया गया? ये पत्थर लगाने वाले अब आपस में मिले हैं, बहुत बड़े बड़े हाथी मायावती जी ने लगाए हैं और अखिलेश यादव जी ने भी बहुत उत्तर प्रदेश में पत्थर लगाए थे और पत्थर लगाने का परिणाम क्या आया आप सबके पूरी जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी पत्थर लगाने पे विश्वास नहीं करती। आगे आने वाला ये लोकसभा चुनाव हम दिखाएंगे कि पत्थर लगाने वाले और हाथी और पार्क बनाने वालों ने क्या काम किया, ये परिणाम नजर आएगा। 73 से हम 74 जीतेंगे, हमने विकास की गंगा भाई हमारी सरकार ने। इनका दावा मंत्री का हमने विकास गंगा भाई है, अब बताएंगे आप जब मेयर इनका, विधायक इनका, भाजपा का सांसद, मुख्यमंत्री, कपड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपका यूएनओ में कौनो बनेगा तब कुछ करिए। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये सरकार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए देश में सन 47 के बाद 15 चुनाव हुए हैं, 15 चुनाव में अटल जी को छोड़ दो, अंतरराष्ट्रीय नेता थे, सम्मान है। बाकी बात, 1 अरब जनता ने इनको फुटबॉल की तरह खेला है 15 चुनावों में 14 बार। कानपुर नगर के अंदर अगर सबसे भ्रष्ट अगर कोई बिजली विभाग आएगा, कानपुर की गरीब जनता उनके पास जो है मीटर लगाने के लिए फार्म जमा कर रही है और दलालों के माध्यम से जो है मीटर लग रहे हैं इसी परेड घर बिजली घर से। आज के समय में दुर्भाग्य है कानपुर के सांसद का कि गूगल पर सर्च किया जाता है, 74 दिन में 4 दिन सांसद आता है। महिलाओं के हित में कुछ भी नहीं किया। अगर इस सरकार में महिलाओं के बारे में सोचा जाए तो सिर्फ रेप की घटनाएं आए दिन, बच्चियों के साथ उत्पीड़न, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दिन ब दिन बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ ये गैस कनेक्शन दे के ये अपनी वोट बटोरने के लिए कुछ अपनी योजना बना रहे हैं। और महिलाओं को अगर अधिकार देना है तो 50% बराबर का अधिकार दे। जो मूलभूत सुविधाएं थी शहर के अंदर उनके लिए सांसद ने क्या किया और सरकार ने क्या किया? देखिए ये फेकू प्रधानमंत्री है, इसने देश को, इस जनता को गुमराह किया। ये जादूगर आया, डुगडुगी बजा के उसने कहा कि हम देश को बहुत कुछ देंगे, लेकिन देश को नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों के हाथ गिरवी रख दिया और कहा था मंत्री है ही नहीं। चौकीदार अगर चोर होता तो एक दूसरे पे बलात्कार का आरोप लगाने वाले एक साथ ना बैठते। जो मायावती कह रही थी कि मुलायम सिंह ने बलात्कार का प्रयास किया है, आज वो बहन बन गई है। अगर चौकीदार चोर होता तो इनके दहशत ना होती। बाकी ये देश बता रहा है कि चौकीदार कैसा है, ये कैसे हैं, सारे लोमड़ी भेड़ बकरी सब एक साथ आ गए हैं। जो एक दूसरे पे बलात्कार का आरोप लगा रहे थे वो एक साथ बैठ गए हैं। आप ये समझिए कितनी दहशत फैली है और चौकीदार की क्या पोजीशन है, ये देश बता रहा, देश की जनता बता रही। आरोप बराबर लग रहा है और इसमें जवाब दे रहे हमारे बीच। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आएंगे आपके बीच में, माहौल बनाए रखिए। मौलाना हजरत मोहानी और गढ़ संघ विद्यार्थी सर जमी कानपुर पर आपका एक बार पुनः स्वागत है, माहौल बनाए रखिए। में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से मोइन खान जी। जो इस तरह बात की जा रही है कि बराबर कि दर्द भी आप ही ने दिया था, दवा भी आप ही दे रहे हो, मायावती मुकदमे भी आप ही, जो आप ही पार्टी ने लिखाए थे, अब आप भी उसका इलाज कर रहे हो। देखिए देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। जब भी देश में संकट आया है किसान आत्महत्या कर रहा है, अन्नदाता जो किसान है वही अपने सीमाओं पे अपना जब बेटों को भेजता है और वही खेत में कि धरती चीर करके हमको अन्न देता है, आज वो आत्महत्या कर रहा है, उसके पेट से पानी और मिट्टी निकल रही है। आज इस देश का खजाना लूट गया नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी देश का खजाना लूट ले गए और ये चौकीदार देखता रहा। ये चौकीदार चोर है, देश की जनता ने स्वीकार कर लिया है, ये गठबंधन देश की जनता के लिए है। प्रश्न से हमारे साथ सुनील शुक्ला मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि मायावती जी को अभी हाल में न्यायालय ने कहा 11,000 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा करने आदेश दिए हैं,
वो मुकदमा भी अखिलेश यादव ने लिखाया था, तो क्या कहा जाएगी कल तक जो दुश्मन था दोस्त हो गए भाई क्या? अब दोस्त इसलिए हो गया कि मायावती जी को लगने लगा था कि मैं यूपी से खत्म, और ये जो पैसा जमा करने का कोर्ट ने आदेश किया है, तो उसके लिए ये टिकटें 15-15 करोड़ में बेच के वही पैसा उठा के कोर्ट में जमा कर देना इनको। ये गठबंधन पूरी तरह से बेमेल है और निश्चित रूप से ये गठबंधन फेल हो जाएगा। जनता से समस्या लेते, जनता क्या समस्याएं थी, आपकी किन समस्याएं थी जिनका निराकरण इस पूरे 5 साल में नहीं हुआ? सभी समस्याओं का समाधान हुआ है, किसी भी जनता से पूछिए, जनता एकदम तैयार है। और जैसे सपा के लोग बोल रहे हैं, सपा के लोग जो गठबंधन किया है वही विधानसभा में मायावती हैं जिनको बुआ जी कहकर बदनाम किया जा रहा था, वही समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी स्वयं में जवाब दे, अपने ईमानदारी की जवाब दे, ईमान पे झांक के जवाब दे। आज तक किसी भी पार्टी के पास जवाब नहीं है। 70 सालों में जो प्रधानमंत्री नहीं मिला है वो मिलेगा, ये बात बिल्कुल सच है। 70 सालों में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं मिला है जो इस बार मिला है। 5 साल में इनके सांसद हमें देखने तक को नहीं मिले पूरे कानपुर में, और जिस गठबंधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो देश के संविधान को बचाने के लिए गठबंधन बनाया गया है। वो दो दलों के बीच गठबंधन है, वो संविधान को बचाने के लिए बनाया गया है। और आप अपने मैनिफेस्टो पे जाइए, आपने जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, क्या आपने वो रोजगार दिए? आपने राम मंदिर को लेकर चुनाव लड़ा, आपके राम मंदिर में क्या, राम मंदिर में एक ईंट आपने लगवाई? कानपुर की पहचान औद्योगिक नगरी रूप में, और यहाँ की जो मिले हैं उस मिले तय करती है यहाँ का राजनीतिक दलों का नेतृत्व कौन आदमी करेगा। और उसके लिए जो जो मजदूरों की समस्या आई, मजदूरों की मौत हुई, वहाँ कोई संवेदना व्यक्त करने नहीं किया, ना किसी मजदूर की बात सुनी गई। आज मजदूर दर दर भटक रहा है और तिल तिल मरने को मजबूर है, उसकी तनख्वाह नहीं मिली, उसका PF नहीं मिला, उसकी जो और समस्या नहीं हुआ। बड़ी बड़ी गाड़ियों में 6-7 गाड़ियों में बैठ के चले गए, और यहाँ पर बात मजदूरों की हो रही है, ये इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पर चारों तरफ त्राईमाम मचा है। अब मजदूरों को समझ में आया, कुछ दिनों में गंगा के किनारे सैकड़ों की संख्या में मजदूर गंगा जली उठाने वाले हैं कि आने वाले समय में गंगा जल की सौगंध लेते हैं कि इनका पूरे देश से सफाया करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका जवाब देंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने में जिन लोगों को संकोच लगता है वही लोग इस सरकार का, इस प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। जिनको ये संकोच लगता है कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कैसे कहे, मारा वहां जाता है यहाँ मोमबत्ती जलती है, उन लोगों को दिक्कत है, देशभक्तों को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा ना होता तो जो बलात्कार का आरोप लगा रही थी वो आज बहन बनी हुई है। मुलायम सिंह जी के ऊपर आरोप लगाने थी कि मेरा बलात्कार करने का प्रयास किया, आज उनका लड़का उनको बुआ कह रहा है। इनका चरित्र क्या है? पिछले चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ था, अब की बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। ये चरित्र क्या समाजवादी पार्टी के बता रहे हैं? ये चरित्र चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी को सीखने की जरूरत नहीं है, जो खुद स्वयं 46 पार्टियों से गठबंधन करके बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज पार्टी है, जहाँ इन्होंने रोजगार देने एक आम व्यक्ति की समस्या उनसे बात करते, क्या समस्या रही 5 सालों में? सर इन्होंने आश्वासन दिया था कि मजदूरों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री बंद होने के कगार में ओवर टाइम बंद हो गया, लोग भूखों मरने लगे, सब रो रहा है। और गंगा जी में खड़े होकर सब लोग गंगा जल ले कर शपथ लेने वाले हैं कि सरकार को हटाना है और कांग्रेस को लाना है, राहुल गांधी को लाना है, प्रधानमंत्री उसको बनाना है। मजदूर कानपुर का जाग गया है, क्या समस्याएं हैं? मजदूर जागने से कोई नहीं, मजदूरों के हितों की अगर बात की जाए तो कोई बात है, समाजवादी पार्टी से लोग बताएंगे। मजदूरों के हित में सिवाय समाजवादी पार्टी के किसी पार्टी ने आज तक कुछ नहीं किया है। समाजवादी पार्टी मजदूरों को पेंशन देती है, दुर्घटना का पैसा देती है, और उसके बाद 5-5 लाख रुपए की पेंशन फिर भी मिलने वाली है। हम लोग तो काम करना जानते हैं, काम पे विश्वास रखते हैं, झूठे वादे नहीं करते हैं। इसके पहले कांग्रेस पार्टी 3 रिज्यूम में यहाँ सांसद रही, उसके पहले कांग्रेस बराबर सांसद रहे, बीच में कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद रही। कांग्रेस पार्टी कार्यकाल की बात करें और इस बार उस कार्यकाल की, कितना अंतर? देखिए बहुत बड़ा अंतर है, ये जनता जानती है। हमारे सांसद श्री प्रकाश जायसवाल जनता को सुलभ उपलब्ध थे, जनता से मिलते थे, घर घर जाते थे, गली गली बैठते थे, चाय पे चौपाल करते थे। जब से माननीय मुरली मनोहर जोशी आए हैं हमारे यहाँ से लापता हैं, 5 साल होने को आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर ये आरोप है कि बराबर वो कभी उपलब्ध नहीं रहे, उपलब्ध रहे तो पूंजीपतियों से बात करते, आम जनता समस्या उन्होंने कभी नहीं सुनी, आम जनता से दूरी बनाए रखी। ये हमारा पार्टी कार्यालय है, हम पदाधिकारी हैं, हर पदाधिकारी की एक एक दिन की जिम्मेदारी है। लिखा पढ़ी में समस्याएं मांग रहे हैं और लिखा पढ़ी में उनका निपटारा कर रहे हैं।
लेकिन ये लोग राजनीति से ओतप्रोत है, कुछ काम किया नहीं है। पत्थर लगवाने पे और कीचड़ उछालने पे सिर्फ इनका विश्वास है। ये जो यहाँ नारा लगा रहे हैं, अगर ये जाके किसी चौराहे पे लगाएंगे तो जनता इनको बता देगी ये किसके लिए कह रहे हैं। जनता जनार्दन समस्याओं का नकल नहीं हुआ, और आप क्या कहने जा रहे हैं? देखिए, ये अपने आप को बताते हैं कि मैं राजभक्त हूँ। राजभक्ति का प्रमाण यह है कि उदयपुर की कोर्ट से ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तिरंगा झंडा उतारा और भगवा फहराया। आज मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जो मेरा किसान, मेरा जवान शहीद हुआ है वो तिरंगे में लपट के छाती पे आ रहा है, क्या इनकी हैसियत है कि ये नागपुर के लोग तिरंगा मेरे जवान की छाती से उतारेंगे? ये देशद्रोही है, ये लोकतंत्र विरोधी है, ये संविधान विरोधी है। इनको हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ना होगा, तभी राष्ट्र सुरक्षित होगा, तभी तिरंगा सुरक्षित होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ। सीटों के विवाद अक्सर आता है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के सरकार में किसी महिला का कोई सम्मान नहीं हुआ है। काम की बात करते हैं तो सबसे पहले परेड चौराहे पे देख लीजिए, जाके कितने गड्ढे हैं, क्या काम किया, चोरों की सरकार है। सोशल वर्कर भी हमारे साथ मौजूद है, आप कहने का क्या? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि सरकार शुरू हुई, का साथ सबका विकास, साथ तो सबका ले लिया बहुत तरीके से, सबको जुगने बाजियों में फंसा दिया। साथ लेने के लिए, अपना अधिकार जिताने के लिए साथ तो बनाया, लेकिन विकास के नाम में कानपुर में एक एक फुट के गड्ढे दे दिए गए। तो चमड़ा व्यवसाय हमारे साथ इनसे बात करते हैं। 3 महीने से लगातार हमारी टेंडरिया बंद है, और उसमें जो ढोल लगे उनकी कीमत 5 लाख से 10 लाख रुपए की होती है। किसी के 10, किसी के 20, किसी के 25 ड्रम लगे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके, 3 महीने में खत्म। सेना के पूरे अधिकारी मौजूद हैं, आई उनसे बात कर, क्या समस्याएं रही आम जनता की? सर, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, बटालियन हौलदार मेजर 5 आर्मी बेस वर्क साहब से रिटायर हुआ हूँ। 20 तारीख को 4 बजे के लगभग मेरा लड़का चौला मारकर चौराहे पर गया था, उसको मारा, मार करके उसको वो गाड़ी में बैठा लिया और लड़के को 10,000 रुपये मांगा। जब वो 10,000 रुपये नहीं देने तैयार हुआ तो बोले कि मेरे घर तरफ ले चलो, पापा दे देंगे। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं आज तक केवल भाजपा को वोट दिया हूँ। और जब मैं बाहर निकल खा, मेरे लड़के को लेकर थाने में चले गए थे, मैं वहाँ गया, मुझे मारा है, देखिए यहाँ चोट लगी है, यहाँ चोट लगी घुटने में। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री को, डीएम, डीआईजी, डीजीपी सबको चिट्ठी लिखा, किसी कोई नहीं, पुलिस मरे मेरे घर में भागा भागा घूम रहा, घर नहीं हूँ मैं। मंत्री जी है सत्यदेव पचौरी, उनके पास गया, बोले यार तू तो समाजवादी पार्टी का, मतलब जिसके पैर भी करने आया। बोला सर मैं तो भाजपा का हूँ। अरे बोला कुछ नहीं, वो अमिताभ वाजपेयी पैर भी कर रहे हैं। सर कोई नहीं सुन रहा, हमें खतरे में, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये देश के सैनिकों। देखिए आपकी सरकार में आपके कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही, कार्यकर्ता से को पुलिस के प्रताड़ित कर रही है, और जब आप जो अपनी शिकायत करने जा रहा है, और देश का सैनिक है, पहले इन लोगों से बुलवा लीजिए। अगर कोई पुलिस विभाग वाला का दिक्कत कर रहा और हमारी जानकारी में अगर मामला आ रहा है तो उसका पूरा उद्धार, उसका पूरी पैरवी होगी। अगर इनको दिक्कत है, ये इनकी दिक्कत संज्ञान में आई है, उसका पूरा निपटारा होगा और निपटारा होता रहा है। अभी शहीदों की चिताएं ठंडी भी नहीं हुई थी, और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बूत और मजबूत कर रहे हैं। जब जब देश से बड़ा एक व्यक्ति विशेष को माना जाएगा, ऐसी समस्याएं आती रहेंगी हिंदुस्तान पर। मैं सिर्फ इतना पूछा जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे विजय रैली इनकी दिख रही थी। देश में 59 जवान शहीद हो गए, विमान हमारा गिरा, पायलट हमारे देश के शहीद हो गए, और ये विजय रैली निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, मैं थूकता हूं ऐसी पार्टी के ऊपर, इनको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि 59 जवान शहीद हो गए और ये विजय रैली निकाल रहे हैं। जनता की क्या समस्याएं थी, क्या उनका समाधान हुआ और क्या होगा, ये अभी ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता की जो समस्याएं थी, उनसे जनता ने अपनी बात कही, और निश्चित रूप से जनता जनार्दन जो सवाल थे उनका जिम्मेदार लोगों ने जवाब भी दिए। अब हम मिलते हैं आपको अगले पड़ाव पर, माहौल बनाए रखिए इस कार्यक्रम में।